जितनी उम्मीद होनी चाहिए, जो बात होनी चाहिए, उम्मीदों के हिसाब से बजट नहीं होता, धरातल पर आना चाहिए। हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर वर्ग को इस बात की उम्मीद है कि वो उसके लिए खरा उतरे। नरेशन गुप्ता जी को आपने सुना, चंद्रनाहू जी को सुना, अभी क्या कहेंगे किसानों के लिए बजट कितना फायदेमंद? देखिए, जब 2003 में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी तो ये 700 करोड़ रुपए सरप्लस राज्य था। अभी वर्तमान में 2014-15 में राज्य सरकार 8600 करोड़ रुपए के कर्ज से लदी हुई है। अभी ये नौबत है कि राज्य सरकार को अपनी प्रतिभूति बेचनी पड़ रही है, इसके लिए अभी नोटिफिकेशन भी हुआ है और हमारी प्रतिभूति जो है जाएगी, उसके बदले में सरकार को लोन मिलेगा। ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यजनक है, ये शर्मनाक बात है छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए कि अपनी प्रतिभूति को बेचना पड़ रहा है। हम इतने बदहाली में गुजर रहे हैं कि हम यहाँ पर मजदूरों को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को बोनस नहीं दे पा रहे हैं, कर्मचारियों को उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। यहां पर जो राजधानी में जो एक पूरा जोन बना हुआ है जहां पर हड़ताल होती है, भूख हड़ताल होती है, वहां जाके देखेंगे कि पूरा सैलाब, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। वहां पर ज्यादातर पंडाल लगे रहते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। सरकार इस ओर पूरी तरह दिशाहीन है, वो धरातल पर कुछ नहीं कर पा रही है। आप यहां से 120 किलोमीटर कांकेर तक चले जाएंगे तो आपको वहां पर राज्य सरकार कहीं दिखाई नहीं देगी। सड़क, पानी, बिजली, आखिर ये सब चीजों की आवश्यकता आज भी छत्तीसगढ़ में सरकार 12 वर्षों में क्यों नहीं पूरा कर पाई? क्या फिर से बीमारू राज्य की ओर ले जाना चाहती है सरकार? राजन जग्गी जी, आपने सुना कि बदहाली की बात कहते हैं, राजस्व की कमी भी है कह रहे हैं विपक्ष की ओर से, जो महेंद्र छाबड़ा जी कह रहे हैं, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में व्यापार इतना कमजोर है कि व्यापारियों उसकी ओर से राजस्व नहीं मिल रहा? क्या टैक्स को लेकर कुछ प्रावधान होने थे? क्या छत्तीसगढ़ क्या वाकई में बदहाल है? नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान के व्यापारी अभी बदहाली से गुजर रहे हैं। व्यापारी अपनी सुबह से लेकर, माने एक अगर मजदूर हो या सरकारी नौकर हो, वो 8 घंटे की ड्यूटी करता है। और एक व्यापारी जो है उसकी कोई समय सीमा नहीं है कि वो 8 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी सेवाएं देता है, लेकिन उसके बदले वो सिर्फ सम्मान चाहता है। आज जो विकास की बात है, मैं इसमें बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगा मुख्यमंत्री महोदय को कि उन्होंने ऐसी आज कई योजनाएं लागू करी या उन्होंने जो घोषणा की है कि जिससे अपना हमारा व्यापार भी बढ़ेगा और अपना काम भी बहुत अच्छा होगा, विकास। तो आप सुन रहे थे रायपुर से हमारे संवाददाता, इस वक्त वहां पर जो मेहमान मौजूद हैं उनकी क्या कुछ राय थी, जिस तरह से आज छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना आम बजट पेश किया है उसको लेकर जिस तरह से जो राय थी। वहां पर जो हमारे मेहमान मौजूद थे, बीजेपी के नेता, कांग्रेस से भी जो मौजूद थे, उन्होंने अपनी अपनी राय दी है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो बजट सरकार लेकर आई है, 75,000 करोड़ का बजट लेकर आई है, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए, किसान इससे संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्यापारी संघ की बात की जाए, उनका भी यही कहना है कि ये मिला जुला बजट है। हिंदुस्तान में मंदी है ये, जिसको कुछ ना कुछ ऐसी इनको योजनाएं लानी चाहिए जिसमें आम व्यापारी, उद्योगपति और सब इसमें अपना सहयोग के साथ शामिल हो। व्यापारी वर्ग का ये कहना है कि सबका सहयोग होना चाहिए, इसीलिए सबके साथ सबका विकास होगा। क्या वाकई में सबके साथ सबका विकास? व्यापारी वर्ग तो उतना नाराज नहीं है, हालांकि थोड़ी नाराजगी राजन जग्गी जी ने जताई, लेकिन डेवलपमेंट तो हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट यदि होता रहता तो यहाँ पर स्कूलों की बदहाल हालत, अस्पतालों की बदहाल हालत, यहाँ पर स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूल अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होती। यहाँ राजधानी के इतने बड़े हॉस्पिटल में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। यहाँ पर पीने का स्वच्छ पानी छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार नहीं दे पा रही है, उसके कारण पीलिया और अन्य बीमारियां से लोग मर रहे हैं। आखिर अगर विकास हुआ है तो धरातल पर होना चाहिए। विकास कैसा है, ये किस तरह का विकास है जहाँ पर आदमी अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है? आखिर 12 वर्षों में छत्तीसगढ़ की सरकार ने मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में क्यों असफल रही है, ये एक बड़ा प्रश्न आज की चर्चा पर खड़ा होता है कि सरकार पूरी तरह अगर सफल होती तो इन 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 चीजों के लिए वो प्रावधान क्यों करती? मुख्यमंत्री जी ने तो पिछले 13-14 का बजट उनका भाषण देख कर आ रहा था तो उन्होंने कहा था कि रायपुर से राजनांदगांव तक मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम गरीब बच्चों को गणवेश वितरण करेंगे, उन्होंने कहा था कि हम सरस्वती साइकिल योजना चलाएंगे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलेगी। इन सब चीजों का प्रावधान इस बजट में नहीं है। ये बात स्पष्ट होती है कि केंद्र सरकार के दबाव में ये सरकार बजट जारी कर रही है। अब किसी भी इस तरह की योजना का क्रियान्वयन करना इस सरकार के बूते में नहीं है। नरेशन गुप्ता जी,
बताइए कि महेंद्र छाबड़ा जी की बात से कितना इत्तेफाक रखेंगे, क्या जवाब? देखिए, हर समय मैंने बताया, बजट का ऐसा एनालिसिस मत करिए। आपको एक बार एक योजना चली, 4 साल चली, 5 साल चली, उसके बाद उन्होंने एक उस पर एक परिवर्तन करना है, तो आप जो ट्रेडिशनली एक बार फिक्स हो गया वो चले। मैंने पहले कहा कि समय काल परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ओवरऑल पूरे प्रदेश के विकास को दृष्टिगत रखकर ये बजट बनाया गया। देखिए, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने 1 करोड़ तक का छोटे व्यापारी की श्रेणी में लिया है, जिसपे सेल्फ असेसमेंट है। वो अपना डिक्लेरेशन देंगे, उनका रिटर्न एक्सेप्ट हो जाएगा सेल टैक्स, वेट में उनको कहीं कोई हरासमेंट नहीं है। तो सरकार अपना इंटरफेरेंस कम करके जनता के ऊपर भरोसा कर रही है, और जनता से ये अपेक्षा करती है कि वो प्रदेश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करे। देखिए, युवाओं के लिए इन्होंने स्पेशल बजट दिया, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी स्कूल के लिए भी हमने अपना अपग्रेडेशन की बात की, वहाँ पे बहुत बड़ा बजट बढ़ाया, कृषि बजट बढ़ा रखे हैं। तो और कैसा चाहिए? देखिए, अब बजट का एनालिसिस, अभी अपन बजट के एनालिसिस करने बैठे हुए हैं, सरकार की दूसरी चीज़ों पर अपन कमेंट ना करें तो बेहतर होगा। अब उसके लिए कमेंट करना है तो मैं अपने विपक्षी साथियों से चाहूँगा कि उसके लिए अपन अलग से बैठे। आज की जो बजट है उसकी आवश्यकता और उसकी प्रदेश के विकास में क्या स्थिति होगी, उस पर अपने को चर्चा करना चाहिए। और श्रेष्ठ बजट है और इससे प्रदेश में विकास की गति बढ़ेगी। श्रेष्ठ बजट है सर, श्रेष्ठ बजट है कि नहीं है, क्योंकि एनालिसिस इन्होंने कह दिया नहीं करेंगे। आप एक बात को सोचे, हमारे प्रधानमंत्री की भावनाओं के विपरीत बजट है ये। प्रधानमंत्री हमारे चाय से शुरू हुए और आज एक रिक्शे वाले के लिए 30 पैसा चाय का रेट बढ़ गया। आप इसको नोट करके रखें, क्योंकि आपने वेट टैक्स लगाया है, वो भी 1% शक्कर पे। अब बगैर शक्कर के मीठा मीठा, और ये तो खट्टा मीठा वाली बात हो गई कि मैं बजट में इतना ही कहूंगा कि ये नमकीन आपने पेश कर दिया। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, जग्गी जी ने जो कहा 30 पैसे चाय का रेट बढ़ जाएगा, तो 1 किलो चाय में, 1 किलो शक्कर में कम से कम 100 कप चाय बनती है, तो उसका कोई इफेक्ट चाय के रेट में नहीं होगा, जिस बात को ये राजनीतिक नजरिए से पेश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आपको कहीं ना कहीं यदि खर्चा करना है तो आय का सोर्स आएगा। मैं कहा कि आपको अलाउद्दीन का चलाक आपको पैसा नहीं देने वाला है, आपके पास जो आवक होगा उसी में से जावक होगा। यदि आपको ज़्यादा बड़े खर्चे चाहिए, ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, ज़्यादा कहीं पैसे लगाने हैं, तो उसके लिए आवक होगा ना। बिना आवक के तो आप जावक नहीं कर सकते हैं, तो आपको पैसा का भी सोर्स डेवलप करना पड़ेगा। पैसे का सोर्स डेवलप करना पड़ेगा, या चाय कितनी मीठी है बजट की, आप बताइए कि व्यापारी वर्ग की अपनी राय है, किसानों के लिए भी अच्छा बजट है, सब तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, आपकी नाराजगी यथावत है अभी भी? नहीं, मैं नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, मैं आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किसानों के साथ पिछले बजट में क्या हुआ है और इस बजट में कितना प्रावधान है। यहाँ सिंचाई का जो प्रतिशत है, 11 साल में 11% नहीं बढ़ पाया, उसमें इतना अल्प राशि से कोई बड़ा क्रांतिकारी सिंचाई परियोजना नहीं चलने वाली है। और किसानों के लिए प्रमुख रूप से मैं ये कहूँगा कि जब घोषणा पत्र में आपने वायदा किया है जनता से कि हम 300 रुपये बोनस देंगे, तो उससे क्यों मुकर रहे हैं आप? और उसमें साफ लिखा है 5 साल तक देंगे। 2008 में उन्होंने 270 रुपया कहा, बाद में उसे मुकर गए थे, बोले कि हम 5 साल के लिए नहीं कहे थे। उसको 13 में उन्होंने सुधारा कि हम 5 साल के लिए बोनस देंगे। नरेंद्र गुप्ता जी ने क्या कहा, वो तो कह रहे हैं, गुप्ता जी तो ऐसा है कि भाजपा का चश्मा पहन के बात कर रहे हैं, तो उनको तो वो भाजपा ही भाजपा दिखेगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, या कांग्रेस वाला उसमें विरोधी खोजेगा। मैं आंकड़े के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उनके घोषणा पत्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि वो किसानों के लिए 11 वर्षों में कुछ नहीं किए हैं। इस बजट में भी किसानों को कुछ नहीं मिलने वाला है, बोनस के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है, समर्थन मूल्य में अगले साल खरीदी होगी कि नहीं होगी इसके बारे में भी कोई चर्चा पार्टी लेवल पर या सरकार के लेवल पर नहीं हो पाई है। इसे ऐसा लगता है कि ये आगामी जो वर्ष है वो किसानों के लिए बहुत बुरा होगा। किसानों का साथ कांग्रेस के साथ है, अब ये जो आंदोलन आप कर रहे हैं 11 तारीख से शुरू हुआ, 16 तारीख तक चलेगा, खुला तौर पे समर्थन है कहीं ना कहीं बातों को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो बात कही थी, हम उसी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने वादा किया था जनता से
जनादेश प्राप्त कर लिया, अब उनको ठेंगा दिखा रहे हैं, किसानों को का अपमान कर रहे हैं। तो हमने किसानों और मजदूरों को साथ में लेकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और वो हम न्याय मांगने के लिए निकले हैं। हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि ये वही सरकार है जिन्होंने आपसे वादा किया था और वादा पूरा नहीं किया। बजट पेश होने से पहले डिक्लेरेशन कर दिया कि 16 तारीख को हम घेरेंगे। सरकार की मंशा पहले दिन से इस बात से स्पष्ट है, जब से केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है ये सरकार दबाव में है, पुरानी योजनाएं लागू करने के में असमर्थ साबित हो रही है। पहले 10 वर्षों तक जब यूपीए की सरकार थी तो सारी योजनाएं यथावत चलती थी, अब अचानक 10 माह में अचानक क्या हो गया? केंद्र की सरकार के दबाव में है ये सरकार, पहले समय से ये बात कह रहा हूँ और ये निश्चित रूप से खुलकर सामने भी आ गई है कि अब ये पुरानी योजनाएं चलाने में सरकार असफल इसलिए साबित हो रही है क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर पर गुजर रही है, पूरी सरकार बदहाल है। और आंकड़ों की बात साहू जी ने की तो मैं आंकड़ों की बात भी यदि करेंगे तो आप देख लेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, यदि भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे तो वो राजनीतिक चश्मे के देखने की बात कहते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बजट का जो बजट में जो राशि का प्रावधान किया गया है उस राशि का क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी है देखने की। तो हमें पिछले बजट पर जो राशि का प्रावधान किया गया था उसका क्रियान्वयन हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर भी बात करना चाहेंगे तो मैं अभी करने को तैयार हूं कि जो राशि का आवंटन हुआ था जिन जिन स्थानों पर कॉलेज खोलने के लिए, पिछले बार 14 कॉलेज खोलने की बात की गई थी, केवल 9 कॉलेज खुल पाए, पिछली बार 7 स्थानों पर पिछले बजट को अभी तक काम नहीं हुआ है तो नए बजट पे क्या काम होगा? महेंद्र छाबड़ा जी कह रहे हैं। नरेश गुप्ता जी, पिछला बजट पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, ललित चंद्र नाहू जी भी वही बोलते हैं, मैं तो आंकड़ों की बात करता हूं, आप बोलते हैं कि हम तकनीकी तौर पे समझने की कोशिश कीजिए, कितना समझेंगे लोग? देखिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कमिटमेंट नहीं किया था कि हम 300 रुपये बोनस देंगे। हमने कहा था कि हम केंद्र सरकार से चर्चा करके 300 रुपये बोनस की बात करेंगे। काहे को दिग्भ्रमित करते हैं जनता को मेरे कांग्रेसी मित्र? ऐसा हमने कभी नहीं कहा था, जनता को दिग्भ्रमित ना करें। और ये आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न किया कि 11 से 16 तारीख का प्रोजेक्ट बजट आने से पहले कैसे शुरू कर लिया इन्होंने कि हम सरकार विरोधी बजट चलाने और जनता के विरोध में है, ये इनका आकलन है, ये हर चीज़ को राजनीतिकरण करना चाहते हैं। देखिए आप प्रदेश का विकास जो इस सरकार की मूलभूत भावना के अनुकूल जो हम काम कर रहे हैं उससे ये इनका स्थान खत्म हो रहा है राजनीतिक में, ये ऑलमोस्ट बाहर हो गए हैं राजनीतिक परिदृश्य से, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं तो ये हल्ला बोल करें, झूठे आरोप लगाएं, तो वो हल्ला बोल का ये माध्यम है। व्यापारी कुछ कहते हैं, किसान कुछ कहते हैं, विपक्षी दल कुछ कहता है, लेकिन आम आदमी के हाथ में क्या हाथ आ रहा है इस बजट में? आम आदमी कितना खुश है? गैर राजनीतिक दल से ताल्लुकात रखते हैं आप, किसानों के नेता हैं, आम आदमी के दृष्टिकोण से बताइए कि आम आदमी को क्या मिला? मैं वो बताऊंगा ही, लेकिन गुप्ता जी ने जो कहा कि हमने 300 रुपया बोनस की घोषणा नहीं किया था, ये बिल्कुल गलत है। इनके घोषणा पत्र में अभी भी है, मेरे पास है वो घोषणा पत्र, और एक मिनट रुकिए, और 300 रुपया जो बोनस है वो राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार से उसमें पूछने का नहीं है। 2100 रुपया समर्थन मूल्य देने के लिए केंद्र को पत्र लिखने की बात उस घोषणा पत्र में है जिसको नहीं लिखा गया है, तो बोनस तो राज्य सरकार को ही देना है। पिछले समय भी राज्य सरकार ने ही बोनस दिया था और इस समय भी राज्य सरकार देती। अभी जो बार बार ऋण की बात आती है, किसानों को ऋण का जो वो बढ़ाया गया है, रुपया बढ़ाया गया है, तो ऋण तो रिजर्व बैंक, नाबार्ड और अन्य बैंक अपने देते हैं, इसमें जो सरकार का जो योगदान है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, ब्याज अनुदान का है जो बैंकों को दिया जाता है, तो ब्याज अनुदान जो है वो राज्य सरकार देती है शॉर्ट टर्म लोन पर, अल्पकालीन ऋण पर, जो हर साल कृषि के लिए किया जाता है, बहुत कम रुपया होता है। तो काफी तकनीकी बात हो गई है, एक सच्चाई भी है, कुछ मानते हैं इस बात को, लेकिन आम आदमी को क्या मिल रहा है? इस प्रदेश में 85% के लगभग किसान 2003 में थे, अब शायद भाजपा राज में घट गए होंगे तो 80 में आ गए होंगे, लेकिन अगर किसानों की ही बात किया जाए तो आम आदमी की बात होगी, 80-85% लोगों की बात होगी, तो वो जो ब्याज का जो मामला, ऋण का जो मामला है, उसमें कृषि उपकरण अन्य कार्यों के लिए जो ऋण है उसमें 1 रुपया भी ब्याज अनुदान नहीं है। ट्रैक्टर है, उपकरण है, नलकूप है, फेंसिंग है, इसमें 1 रुपया अनुदान नहीं है, इसलिए ये नहीं कह सकते किसानों के उत्थान के लिए हम ब्याज अनुदान दे रहे हैं। ऋण तो कोई बैंक दे सकता है, सरकार का काम ब्याज अनुदान देना है जो पूरा नहीं है। ब्याज अनुदान देना चाहिए। इस बजट में नरेश गुप्ता जी एक प्रावधान और भी है, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उससे सारे लोगों को कनेक्ट करेंगे, आम आदमी को कनेक्ट करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन उससे हो जाएंगे, तो क्या इससे राजस्व बढ़ेगा? विपक्ष कह रहा है कि बदहाली है छत्तीसगढ़ में, राजस्व की कमी है। देखिए
आपको बता देता हूँ, आपको मैंने पहले भी कहा था कि बजट जो है राष्ट्रीय नीतियाँ, राष्ट्र केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदान, उनको ध्यान में रखते हुए हम प्रदेश का बजट बनाते हैं। तो ओवरऑल हमारे प्रदेश का क्या विकास होगा वो उसको दृष्टि रखी जाती है केंद्र सरकार की योजनाओं से और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर। तो उसके बाद जो पूर्ति होनी है, केंद्र के बजट पहले आया वो, और उसके बाद जो हम पूर्ति कर सकते हैं इस प्रदेश की विकास की और जनता को अपन क्या रिलीफ दे सकते हैं। मनभावन बजट नहीं है, ये भी मैं मान रहा हूँ, मन लुभावन बजट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कतई सिर्फ अपने को जनता को खुश करने के लिए बजट नहीं लाई है, वो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विकास हो, मूल रूप से विकास हो। संतुष्टि कारक बजट नहीं है मान लिया? देखिए संतुष्टि कारक नहीं, देखिए आप मेरे मुंह पे शब्द नहीं डालें, मैं बता रहा हूँ संतुष्ट करने के लिए बजट नहीं बनाया गया। प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर जनता को लंबे समय में क्या बेनिफिट मिलेगा उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है, सिर्फ आज आपको लॉलीपॉप देने के लिए नहीं बनाया गया है। किसानों को क्या मिला क्या ना मिला, सुन लिया आपने विपक्ष ने क्या कहा, लॉलीपॉप वाला बजट लग रहा है? सर देखिए लॉलीपॉप है कि ये चिंगम है मुझे को नहीं मालूम, चूंकि एग्रीकल्चर की बात हो रही है, किसान नेता यहाँ बैठे हैं, मेरा खुद का बिजनेस पंप और एग्रीकल्चर से संबंधित है। धरातल पे कितना पैसा पहुंचा आज, मैं पिछले 10 साल से इसको अगर आप फॉलो अप करें, भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूँ कि आप फॉलो अप करिए कि आपने 10,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए किया, आपने स्प्रिंकलर के लिए इतना दिया, आम किसान को कितना पैसा पहुंचा, वो किन की जेब में गया, इसको मैं आज मैं बहुत खुले दिल से एज ए चेंबर से हटके अपने व्यक्तिगत रूप से आपको बोलता हूं कि आप उस पर पता करें कि पंप किसान को कितना मिला और स्प्रिंकलर किसान को कितना मिला और आपके पास से कितना पैसा गया, कितने की चीज कितने में गई। मतलब एक रोक, आप जो भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं, मैं ओपन बोलता हूं, एक रोक भ्रष्टाचार पे भी होनी चाहिए। जिस दिन ये भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी आपका किसान खुश होगा, आपका मजदूर खुश होगा, आपका आम जनता खुश होगी, आपके आम व्यापारी भी खुश होंगे। सभी चुनौती दे रहे हैं, महेंद्र छावड़ा जी भी बोलते हैं बाद में बात कर लेंगे पूरे राजनीतिक विषय पर, पूजे बजट पर, ललित चंद्र नाहो जी ने भी चुनौती दे दी कि हम इस पूरे मुद्दे पे बैठ के बात करेंगे, अब राजन जग्गी जी भी कह रहे हैं कि हम अलग से चुनौती दे रहे हैं। देखिए राजन जग्गी जी ने जो भ्रष्टाचार की बात की, उस बात पे मैं उनको मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस की बात करी है और उसी सिलसिले में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, तो अब चीजों को सुधार कर रहे हैं। हमने यदि कोई भ्रष्टाचारियों को पकड़ लिया तो बोलते हैं यहाँ भ्रष्टाचार है, नहीं पकड़ो तो भ्रष्टाचारी को नहीं पकड़ते हैं। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये हर चीज का पॉलिटिकलाइजेशन है यहाँ पे, हर चीज। यदि भ्रष्टाचारी को पकड़ लिए तो ये बोलते हैं कि भ्रष्टाचार कर। बजट में लोक सेवा केंद्रों की बढ़ोतरी करने के लिए और कोई विशेष प्रावधान नहीं था क्या? वो मोबाइल ऐप से ही भ्रष्टाचार आ जाएगा या राजसात के लिए विशेष न्यायालय बना दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था बजट? देखिए बजट के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए स्पेशल बजट की जरूरत नहीं है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है और सरकार ने सबको बता दिया कि आपका भ्रष्टाचार के लिए सरकार का जीरो टॉलरेंस है। मैं जग्गी जी को बोलता हूँ यदि भ्रष्टाचार से कोई पंप गया तो उसके लिए भागीदार कौन कौन है, उस बात का निर्धारण वो करे, उस बात की जानकारी सरकार। मैं गुप्ता जी से बहुत पूरी तरीके से सहमत हूँ, आपका काम है भ्रष्टाचार रोकना, कौन अधिकारी कौन व्यापारी, 5 लोग भी अगर ठेकेदार हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है, आप 5वें से 6वां नाम गिना दें, कौन लोग हैं जो सप्लाई कर रहे हैं और किन के पास से फैक्ट्रीज निकल रहा है, कितने लोगों का ग्रुप है, ये पता करना आपका काम है क्योंकि पूरे संसाधन आपके पास है। मैं शहर में बैठा हूं, मैं गांव में नहीं जा रहा हूं, आपके पास आज मंडल स्तर से लेकर मंत्री से लेकर संतरी तक आपके पास है। आप मेरा दुख ये है कि मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए, मेरा ये दुख, मेरा ये कहना है कि उस किसान को उस चीज का पैसा मिले जो सीएम साहब अपनी बहुत अच्छी भावनाओं के साथ उसको करना चाहते हैं। सीएम साहब ने अगर 10,000 करोड़ रखा है तो उनकी एक बहुत अच्छी भावना है, मैं सिर्फ सरकार से यह चाहता हूं कि उस पे रोक लगे और उसका फॉलो अप लगे कि जिसके लिए ये पैसा जा रहा है उस तक वो पहुंच रहा है कि नहीं। कुछ कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं आप, आपने जग्गी जी की बात को सुनकर कुछ सोच बोलने का? जी ने भ्रष्टाचार की बात उठाई और गुप्ता जी ने कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार रोकने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं इसमें जानकारी ये देना चाहूँगा कि 2002 से पूर्व में लोकायुक्त संगठन था जो मध्य प्रदेश से चलता था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के विरुद्ध बृजमोहन अग्रवाल जी ने एक शिकायत लगाई
तो कानून बदल के लोक आयोग हो गया जिसके नाखून और दांत दोनों नहीं है, और उस समय भाजपा जो है भय भूख भ्रष्टाचार का नारा कांग्रेस के खिलाफ लगा के सरकार पर आई, लेकिन आज 12 वर्ष में वो बिना नाखून और दांत का लोक आयोग का स्वरूप नहीं बदला। अभी 2013 में लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम पारित हो गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको 12 माह में इस सरकार को लागू करना था, 12 माह से अधिक हो गया लागू नहीं किया जा रहा है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं? इसके अतिरिक्त इन्होंने जो लोक सेवा गारंटी से लेकर के अन्य प्रकार के जो अधिनियम नियम बनाए उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक अदना कर्मचारी नहीं है, वो लागू नहीं हो रहा है, तो आज ये कुछ बात करेंगे जैसे संपत्ति राजसात करने का भी जो कानून की बात है उसको कौन करेगा, किस प्रकार करेगा, इसका आता पता नहीं। बजट का प्रावधान होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हम करना चाहते हैं,